गांव से है, जहां पर कलेक्टर के बगैर अनुमति के जिले में किसी भी प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के सामने ही आदेश प्रति को जलाकर विरोध जताया, साथ ही मामले में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में आदेश को वापस लेने की मांग की है। सांसद महोदय जी का कार्यक्रम था, उसमें मुख्य रूप से उनका भूमि पूजा, लोकार्पण, अनावरण ये सब इंक्लूड था। सांसद जी के द्वारा वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है, उसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का अवहेलना किया गया है राज्य शासन के इशारे पर। कलेक्टर ये तय नहीं कर सकते, उनका काम है प्रशासन को देखना, उनको तय नहीं करना है कौन जनप्रतिनिधि होगा। ये आदेश पूरे छत्तीसगढ़ में पहले कलेक्टर होंगे जिन्होंने इस तरह का आदेश निकाला है। ये काला आदेश है, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर अतिक्रमण है, उनके अधिकारों का हनन है, इसका विरोध करते हैं। आज उस आदेश की कॉपी चलाई गई है, कल परसों पुतला दहन होगा और कलेक्टर का स्थानांतरण करवाने तक हम आंदोलन करेंगे। आदेश किया गया है कि कलेक्टर तय करेगा कि कहाँ लोकार्पण होगा, कहाँ शिलालेख होगा और कहाँ जनप्रतिनिधि तय करेंगे, तो इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उस प्रति को आज जलाया है। क्या कलेक्टर तय करेगा कि कौन जनप्रतिनिधि कहाँ पे लोकार्पण करेगा? भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका सीधा सीधा विरोध करती है और जो तुगलकी फरमान जो निर्देश किया इसका जोरदार निंदा करती है।